जय हिंद दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं फिश ऑयल ओमेगा 3 के बारे में। आपने बहुत जगह यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे इसके बारे में सुना होगा, वीडियो देखा होगा। तो आज इसी टॉपिक पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या ये रनिंग के लिए ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से और बारीकी से समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फिश ऑयल क्या होता है। तो फिश ऑयल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ओमेगा 3 क्या होता है। तो ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, जिसको आप हेल्दी फैट भी बोल सकते हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको हमें लेना पड़ता है बाहर की चीज़ों से, बाहर के डाइटों से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है फिश। इसीलिए फिश में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होने के चलते फिश से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है फिश ऑयल, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास वॉलनट अखरोट जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, चिया सीड्स, आप फ्लैक्स सीड्स, ये सारा चीज़ का प्रयोग करके आप ओमेगा 3 का जो आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। और कुछ हद तक ये जो रेड मीट होता है उसमें भी देखा जाता है, और एग योक मतलब अंडे का पीला वाला भाग में भी ओमेगा 3 देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फिश, खास करके फैटी फिश, जैसे कि सैल्मन हो गया, टूना हो गया, तो वहीं से एक्सट्रैक्ट करके फिश ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि फिश ऑयल ओमेगा 3 लेने से क्या बेनिफिट होता है। देखिए अगर इसका प्रॉपर डिटेल में मैं बेनिफिट बताने लगूँ समझा के तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। बस मैं कुछ आपको मेजर जो बेनिफिट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि आपका स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा कर देगा, लेकिन आपका स्किन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। आपके आई के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, आपके विज़न के लिए, आपके देखने की शक्ति को बहुत अच्छे से इंप्रूव करके रखता है। और साथ ही साथ इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट देखा गया वो देखा गया हार्ट के प्रॉब्लम के साथ। अगर आप इस फिश ऑयल को या फिर ओमेगा 3 को अच्छे मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो इन फ्यूचर आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल्योर या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा बीमारी होने की कम आशंका है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपके मसल्स के रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपके जॉइंट में जो कटकट आवाज़ करता है, आपका जॉइंट में जो पेन रहता है उससे रिलीफ करने में, आपके जॉइंट में लुब्रिकेंट वापसी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका क्या बेनिफिट है? आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, आपके मेमोरी को अच्छा करके रखता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट गेन के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है, वेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये आपका इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। बाहर से जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस आते हैं आपके बॉडी पर अटैक करते हैं, उससे लड़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जब आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो उससे रिकवर होने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब आप फिश ऑयल लेते हैं तो ये आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है, आपके मसल्स रिकवरी को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ आपका ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग को बहुत अच्छा कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाता है और नेक्स्ट डे आप अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। तो यही थे कुछ इसके मेजर बेनिफिट्स जो कि रिसर्चेज में देखा गया। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, और आपका ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ साबित हो सकता है। जब आप देख रहे हैं कि इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है तो आप इसको ले क्यों ना, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बता दिया कि आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है कि आप हर एक दो दिन में फिश तो खा नहीं सकते हैं। और जहाँ बात आई कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वॉलनट हो गया, आपका फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड्स हो गया, तो ये इतने मात्रा में आपको मिल नहीं पाते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश का कंजप्शन करते हैं, तो सबसे बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा वो क्या है? HK Vitals का सुपर स्ट्रेंथ फिश ऑयल, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा डिटेल से, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि आप ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरा कर सकते हैं। जब बात करते हैं चिया सीड्स, अलसी हो गया या फिर आपका वॉलनट हो गया, तो इसमें बहुत कम मात्रा में ओमेगा 3 पाए जाते हैं, और जो कि आपके बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतने प्रॉपर मात्रा में, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम HK Vitals फिश ऑयल की, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, मैं खुद पर्सनली इसको पिछले 4 महीने से उपयोग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। आप मार्केट में बहुत सारा ब्रांड देखते होंगे, लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि उसमें जिसमें जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसा मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया 1 ग्राम के आसपास आपको ओमेगा 3 चाहिए, तो इसमें जैसा कि 460 mg आपको EPA मिल जाएगा, 360 mg आपको DHA मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जितने भी मैंने आपको बेनिफिट बताया फिश ऑयल का ओमेगा 3 का, वो सारा बेनिफिट्स आपका बॉडी को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि जब आप ये सप्लीमेंट ऐड ऑन करेंगे अपने वर्कआउट में, तो कब करना है? तो जब आप नाश्ता करते हैं तो उसके बाद इसका 1 टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप कब ले सकते हैं? दोपहर में खाने के बाद, ठीक है। जो HK Vitals, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हेल्थ कार्ड का ब्रांड है HK Vitals, ये पिछले 10 सालों से जो एथलीट होते हैं, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन, उनका पसंदीदा ब्रांड है। तो ये FSSI से वेरीफाइड भी है,
मतलब कि इसमें जो चीज़ें बताया गया है वही चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, कवर में जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। बहुत सारा ब्रांड का ये देखते हैं बाहर लिख दिया जाता है लेकिन वो रहता नहीं। और जहाँ बात आती है एच के वाइटस का, तो इसके बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं और आपने कभी ना कभी उपयोग किया होगा, नहीं भी उपयोग किया होगा तो इसका राय आप जिससे भी लेते हो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। एच के वाइटस नाम ही काफ़ी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस ओमेगा 3 का कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको इसको एड ऑन जरूर करना चाहिए। आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है ओमेगा 3 का, उसको जरूर पूरा करना चाहिए, ठीक है। और जब आप बात करते हैं इस सप्लीमेंट एच के वाइटल्स का, तो ये मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप इसको बाय किस तरह से कर सकते हैं, उधर कोई साइट से बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ जाकर आप बाय कर सकते हैं। और ये जो आप कोड देख रहे हैं इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपका कुछ बचत भी हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज फिश ऑयल और ओमेगा 3 से रिलेटेड डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो और ये सप्लीमेंट बहुत ही फाड़ू, आप इसका उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।